गुड मॉर्निंग है जी सबको, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग सब सारे बढ़िया हो। मेरा नाम मनीष रावत है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे बात करनी थी एक बहुत ही अर्जेंट टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया बता दो पैकिंग कैसे करनी है। इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरे करियर में ये किया मैंने और अब आगे मेरे को ये करना है, मेरे इतने एक्सपीरियंस है, मेरी वाइफ का वीजा, मेरा वीजा, स्टूडेंट्स को लेके इतनी ज्यादा कन्फ्यूजन मेरे को दिख रही है। आई फील समवेयर जस्ट लाइक मी, मैं भी लॉस्ट था काफी सारे क्वेश्चन में और वो सवाल मुझे आ रहे हैं। ऑल्दो आई ऑलरेडी स्टेटेड in many videos that I am not an authorized agent और काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना which comes by experience and time। तो अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो रहेगी तो वैसे पैकिंग के ऊपर कि आपको क्या क्या पैकिंग करनी है, क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता मुझे पता है और वो मैं शेयर करूंगा क्योंकि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने से पहले कि क्या लाना था क्या नहीं लाना था। अभी मैं निकल रहा हूँ कहीं के लिए पर मैंने सोचा साथ साथ वीडियो भी बना लेता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है जाननी कि हमको पैकिंग में क्या क्या लाना है क्या क्या नहीं लाना। बहुत सारी ना बातें ऐसी हैं कि भाई ये महंगा वो सस्ता ये वो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा लोड नहीं है, वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि भैया स्टूडेंट्स के कि मेरे करियर पाथ में क्या होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना बिंदास होके कंसल्टेंट ढूंढो अपने लिए, एक एजेंट ढूंढो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो लोग जो है ना वो एक्सपर्टाइज होती है और उनको पता है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, उन्होंने इतने सारे केसेस हैंडल कर लिए हैं। अब पर्सनली मैं मेंशन करना चाहूंगा मेरे कंसल्टेंट काफी इंप्रेसिव थे, स्मूथ फंक्शनिंग थी और मेरे को कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा था बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इन तीन कंट्रीज को लेके ये वाले जो कंसल्टेंट हैं जिनका मैं नाम बताने वाला हूं, इन्होंने मेरा वीजा फाइल किया था एंड आई थिंक आई वाज अमंगस्ट दी प्रोबब्ली टॉप 1000 अमंगस्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया था और मेरा तो बहुत ही जल्दी जल्दी इन्होंने प्रोसेस किया था, काफी स्मूथ था। बात ये होती है कि ये लोग कैसे इसको प्रोसेस कर रहे हैं, कितना ज्यादा ये टैंजिबल है, कितना ज्यादा रीचेबल है। इनफैक्ट जो ये कंसल्टेंट है जिनका नाम है मेडवे कंसल्टेंट, MEDWAY कंसल्टेंट, दिल्ली के हैं फिलहाल तो मैंने दिल्ली से किया था लेकिन ये पंजाब में भी इनकी ब्रांचेज है। मैं इनकी वेबसाइट और इनका फोन नंबर जहां पे आप इनको रीच कर सकते हो वो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग इनको रीच आउट कर सकते हो। ये आपको ये कह लो एक कोऑर्डिनेटर आपको असाइन कर देंगे, उसके बाद जो है आपकी कागजी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। लेकिन पहले पहले ना ये काउंसलिंग भी कर देते हैं तो ये आपको बता देंगे भाई सारा कि क्या है क्या होना चाहिए, अपने सजेशन भी देंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे। तो दो बातें आपकी दो बातें इनकी बात बन जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप कंसल्टेंट्स के पास जाओ एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू देम, मैं इनका जो वेबसाइट का लिंक है या फोन नंबर है जहाँ पे आप लोग एनरोल कर सकते हो वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरा रेफरेंस देना है दे सकते हो, नहीं देना आपकी मर्जी, तो आपको वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। चलते हैं आगे और करते हैं पैकिंग की बात कि सामान लाना क्या क्या है करना क्या क्या है। चलो जी, अच्छा अभी जब निकलेंगे तो सुरभि ने मुझे एक और पॉइंट बोला जो मैं बोलना भूल गया था कि यहाँ पे काउंसलिंग तो फ्री होती है, उसके बाद जो पूरा प्रोसेसिंग है ना सारा, ये वीजा फाइल करना, फंड्स के बारे में बताना, ITR के बारे में बताना, ये सारी चीजें भी फ्री हैं। तो बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए ना ये सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री हैं, किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है और आप कंसल्ट कर सकते हो उनसे, काउंसलिंग से लेके एंड टू एंड पूरी सर्विसेज ये फ्री देते हैं। इनफैक्ट आपको ये काफी ज्यादा हेल्प कर देंगे अगर आप चाहते हो कि भाई इस कॉलेज और उस कॉलेज में डिफरेंस क्या है, कौन सी कंट्री में इशू है, और वहां जाके आपको हाउसिंग में भी इनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं तो ये काफी अच्छी हेल्प कर देते हैं, गाइड कर देते हैं। तो आप अप्रोच कर सकते हो मेडवे कंसल्टेंट को, मेरे हिसाब से थम्स अप है बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। अदरवाइज एल्स आप लोग बाकी कंसल्टेंट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, उनको भी अप्रोच कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट येस फ्रॉम माई साइड थम्स अप टू मेडवे कंसल्टेंट्स। पैकिंग को लेकर तो पूरी दुनिया का चीज़ हो रखी है, पता नहीं क्या क्या सवाल आ रहे हैं मुझे, तो एक ही बारे में सबके जवाब दे देता हूँ, उसके बाद जो सवाल होंगे फिर वो नया गेम दोबारा खेलेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। तो बेसिकली पैकिंग में स्टार्ट करते हैं सूटकेस ट्रॉली इन सबसे। तो भैया ऐसा है कि आप लोगों ने अपनी अपनी बुकिंग तो करा ली होगी फ्लाइट की और उसमें अपने केजीज देख लिए होंगे, किसी ने ज़्यादा खरीदे होंगे, किसी ने कम खरीदे होंगे, किसी ने खरीदे नहीं होंगे, जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो लेके चल रहे होंगे, लेकिन खरीदनी कौन सी है ट्रॉली। तो ट्रॉली बेसिकली आप जो है ना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो ट्रॉली के अंदर, सिंपल एंड सोबर जो मैंने खरीदी थी वो अमेरिकन टूरिस्टर की, मैंने कैमिलियन रेंज खरीदी थी और उसमें उस टाइम पे ऑफर भी चल रहा था, बट ओवरऑल ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक ठाक ही इसकी कॉस्ट है। ज़्यादा इन्वेस्ट करने का लॉजिक इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि एनीवेज वैसे भी आपने बैग लेकर आना है, बस जाना है, ज़्यादा मूव तो करना नहीं है, ऐसा तो है नहीं इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर, तो एक डूएबल और फंक्शनल बैग लेकर आना है, उसमें बस लॉक होना चाहिए। अब आती है बात लॉक की, तो जो लॉक है ना वो कभी कभी जो है खुलता नहीं है, कोई भी ट्रॉली बैग का हो ना, ये है VIP हो, कैमिलियंट हो, अमेरिकन टूरिस्टर जो भी हो, उसकी ट्रिक भी ना मैं आपको भी दिखा दूंगा कि इन केस आप फंस जाते हो आपका ट्रॉली बैग नहीं खुल रहा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था एयरपोर्ट पे, भाई मेरा लॉक ही नहीं खुल रहा वो, और मुझे पासवर्ड पता था कि नंबर क्या है पर वो कॉम्बिनेशन बैग ही नहीं रहा था, उसकी भी ट्रिक बता दूंगा, उसका हैक है एक ट्रिक है वो कैसे खुलता है बैग। भैया वो अच्छे कामों के लिए यूज करना, गलत कामों के लिए मत यूज करना, चीटिंग नहीं चलेगी, पहले ही बताया था मैंने अपनी वीडियोस में, तो वीडियोस आप देख लेना अभी थोड़ी देर में। जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, अब जैसे ट्रॉली बैग हो गया, कुछ भी चीज खरीदने की है, इनका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डालूंगा, आप लोग जाके व्यू कर सकते हो, समझ आता तो ले लेना, नहीं आता तो आप देख लेना क्या करना है।
लेकिन मेरे हिसाब से रेकमेंडेड प्रोडक्ट सही है। जो मैं बात कर रहा था ना ट्रिक की, जो ट्रॉलीज में यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में आप बच सकते हो, वो ये है। रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक मेरा ट्रॉली बैग है और इसी बैग के साथ मेरा पंगा हुआ था एयरपोर्ट पे। मेरी फ्लाइट थी और कुछ मतलब बोर्डिंग गेट्स खुल गए थे, सिक्योरिटी पास की अनाउंसमेंट हो रही थी और ये भाई साहब खुलने को राजी नहीं थे। इसमें सामान पड़ा हुआ था। ट्रॉली बैग जो होते हैं इनमें 90% केसेस में यही लॉक आते हैं, ये रोलर वाले। कोई बड़ी चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी यूट्यूब में है, बट मैं स्टिल इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि इमरजेंसी केसेस में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी राही जो ट्रैवल कर रहा है वो फंसे ना एयरपोर्ट, क्योंकि हो जाती है नर्वस सिचुएशन और हालत हो जाती है टाइट। अब ये जो है ये आप देखोगे तो ये अभी लॉक्ड है। अब इसका पासवर्ड मुझे पता है वैसे, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ ये खोलते कैसे हैं। अब ये देखोगे ध्यान से तो इसमें 3 डायल्स हैं, 1 2 3। पासवर्ड हमको पता नहीं है, क्योंकि पता होता है लेकिन वो खुलता नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि इसके नीचे तीनों डायल्स के नीचे ना होल होता है। आप जब इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको दिखेगा, जैसे आप इसको भी रोल करो, देखो ये आ गया पहला होल इसके नीचे। दूसरे को आप ऐसे ही घुमाओगे, ये ऑलरेडी होल पे बैठा ही है, और तीसरा भी ऑलमोस्ट होल के ऊपर है। तो तीनों को आइडेंटिकल होल्स पे आप लगा दो। डायल के नीचे होल है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके नीचे आपको होल दिखेंगे। खुद करके देख लेना, ज्यादा साफ दिखेगा। अभी मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ होना कैसा है। अभी ये नहीं खुलेगा, ये लॉक्ड है, ये प्रेस नहीं हो रहा। अब करना क्या है कि एक एक करके इसका कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि इसके तीनों होल इस पिन के साथ सेट हो जाएंगे। जब ये पिन के साथ सेट हो जाएंगे खुल जाएगा, सिंपल मैकेनिज्म है। तो करना क्या है, एक एक करके इसको रोल करना है। 1 2 3 नहीं खुला, 1 2 3 ये करते रहना है जब तक आपका बैग खुले ना। अभी भी नहीं खुल रहा, नहीं खुला, अभी भी नहीं खुल रहा ये। तो ये करते रहना है ट्राई जब तक आपका ये सेट ना हो जाए। ये देखो ये खुल गया। सो बेसिकली ये तीनों इस तरह से सेट हो जाने चाहिए कि जो इनके होल्स थे अब ये पीछे चले गए हैं इस डायल के, तीनों डायल्स में, और तीनों अलाइंड है, आइडेंटिकल हैं, और ये लॉक जो है खुल रहा है। तो आप इस तरह से ये ट्राई कर सकते हो। भैया गलत चीज़ों में मत यूज़ करना, अच्छी चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। ये इमरजेंसी सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, आई एम श्योर ये किसी ना किसी और के साथ भी होती है, होती हुई आ रही होगी या हो सकती है। तो प्लीज़ ये वाला फार्मूला ट्रिक अपना लेना और आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो। अब आपको जब पैकिंग करनी है तो यहाँ पे ना इंडिया में ना वो मिलती हैं आपको स्लीव्स, वो क्या होता है कि आप उसको कंप्रेस कर सकते हो एयर पंप के साथ। वो मुझे बड़ी काम की लगी क्योंकि जैकेट वैकेट तो आपको चाहिए होगी, यहाँ पे ठंडा रहता है। अभी तो समर्स चल रही है बट रात को यहाँ पे भी ठंडा हो जाता है। पंखे यहाँ पे हमारे कमरों में है नहीं, एसी की जरूरत पड़ नहीं रही है, और बाकी हम लोग अपने कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो ठंडे ठंडे इलाके में गर्म गर्म कपड़े लाने जरूरी है, तो उनको कंप्रेस करने के लिए वुलन्स जो होते हैं ना जगह बहुत लेते हैं, तो ये स्लीव लगा सकते हैं। स्लीव बहुत मस्त चीज़ होती है, वैक्यूम बैग्स। तो ये वैक्यूम बैग जो है ना ये बड़ी काम की चीज़ होती है। आप इसको लेके सामान डालो, कंप्रेस करो, हवा सारी बाहर निकाल लेते हैं, जगह बन जाती है, वेट उतना ही रहता है, वॉल्यूम वो कम लेते हैं अंदर बैग के, तो वो बहुत काम की चीज़ है। और ये जो कैमलिन की ट्रॉली बैग्स होते हैं ना अमेरिकन टूरिस्टर के, इसमें ना इंटरनेशनल वारंटी होती है। तो जो मेरे वाले बैग हैं कैमलिन के अमेरिकन टूरिस्टर के, इनकी इंटरनेशनल वारंटी है 3 साल की। तो ये बड़ी काम की चीज़ है क्योंकि मैंने देख भी लिया था ऑकलैंड में इनका ऑफिस भी है, तो कल को कोई भी खराबी आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आप जी उठा के उनके पास ले आ सकते हो या इंक्वायरी डाल सकते हो कि अब करना क्या है। कंपनियाँ ज़्यादा जनरली माथा फोड़ती नहीं है, वो आपको रिप्लेसमेंट दे देती हैं, बाकी वो पीछे ठीक करते रहेंगे। अब जब बैग्स की बातें चल रही हैं और स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो बात कर लेते हैं बैग पैक्स की। मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था पुलिस का ऑनलाइन, 2 बैग्स ऑर्डर करे थे मैंने, एक था शायद 45 लीटर का और एक समय 25-30 लीटर का, जो भी लीटर्स थे। का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेजोन से मंगवाया था और ये बैग मेरा इतना सही निकला है। एक्चुअल में मैंने इसमें सामान भर भर के लाया हूं, और यहां पे तो बैग पैक के बिना काम ही नहीं चलता। ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो तो कॉलेज जाएंगे ही, सब अपना लैपटॉप लेके या जो भी उनकी किताबें रहती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कहीं घूमते हो ना, 50 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका अम्ब्रेला। भैया यहाँ पड़ती है बारिश, वो भी ऐसी पड़ जाती है कि पता नहीं लगता कि कब पड़ गई, धूप निकल रही है बारिश हो जाती है। दूसरी चीज़ रेनकोट, रेनकोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल डेज में, हो सकता है बाद में गाड़ी ले लो, बट शुरू शुरू में तो रेनकोट चाहिए होगा, अम्ब्रेला भी चाहिए होगा,
तो आपको रेनकोट चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए और रेन कवर्स अपने बैकपैक के, वो भी ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं जूतों पे। तो अब भाई शूज भी जो है ना, यहाँ पर स्केचर्स के लेने बेटर है मेरे ख्याल से, या फिर कोई भी जूता जो मेमोरी फोम होता है ना जिसके पास, वो ज़्यादा बेटर है मेमोरी फोम वाला। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जब आप जॉब करोगे तो पार्ट टाइम जॉब में ना ज़रूरत पड़ती है आपको ऑन द फ्लोर रहने की, चलना वलना बहुत पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया, आप आओगे तो गाड़ी चलोगे नहीं इमीडिएटली। तो उस केस में क्या रहता है कि अपना जो मेमोरी फोम वाला शू रहता है वो काम आता है। कोशिश करना है ब्लैक रखने का, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में अगर आप असिस्टेंट की तरह काम करते हो, जो कि हाई चांसेस हैं, तो वहाँ पे डिजायर्ड काले जूते ही होते हैं। तो ब्लैक शूज प्रॉब्ली स्केचर्स विद मेमोरी फोम, इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं कि भैया पेन पेंसिल क्या लाना है क्या नहीं लाना। तो एज सच जो है आपको नोटबुक लाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा नोटपैड लेना, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, सारा काम तो लैपटॉप पे होता है और जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं ना वो वर्ड पे करते हैं। तो मोटा मोटा यही है कि आपको जो है घुमा फिरा के एक ही नोटबुक की काम पड़ेगी, या मेरे को तो वो भी नहीं पड़ रही है। तो ज़्यादा कुछ लाद के मतलब ना भर के ले आए कॉपियाँ, और फिर वो आपका वेट बढ़ गया बैगेज का, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करना। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, वो है कि अब लाना क्या क्या है। भाई देखो, सॉक्स जो हैं और जो फ्लीस होती हैं और आपके ग्लव्स हो गए जिसमें कि आप मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो, वैसे वाले ग्लव्स लाना, वो बड़े काम के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इजीली डिकैथलॉन पे मिल जाती हैं। अब जहाँ पे डिकैथलॉन नहीं है वो देख लेना, अगर ऑनलाइन डिलीवर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो वैसे तो मैंने ये सारा सामान डिकैथलॉन से लिया था एंड प्रोडक्ट इज़ अमेजिंगली गुड, वो बहुत ही सही है और काम काफ़ी आते हैं। यहाँ पे इनिशियल डेज में मेरे को काफ़ी काम आए, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना। स्टेशनरी के नाम पर ग्लू टेप पे छोटा मोटा ले आना, वैसे यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ऐसे कोई मारामारी नहीं है और ऐसा कोई बहुत महंगा भी नहीं है। बिकॉज वंस यू स्टार्ट अर्निंग यू विल डेफिनेटली यू नो लर्न हाउ टू फॉरगेट रुपीज एंड अडेप्ट योरसेल्फ विद डॉलर्स। तो डॉलर्स के हिसाब से आपकी बातें शुरू हो जाएंगी तो महंगी नहीं लगेंगी चीज़ें। तो वो बस इतनी सी देर है कि भैया आप कमाना शुरू करोगे तो दिमाग की चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब रही बात चप्पल होगी, तो चप्पलें और जूते जो है ना यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ऐसा कोई लाद के लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं जैसे वेयर हाउस हो गया, के मार्ट हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स मिलती हैं और ऐसा कुछ महंगा नहीं मिलता। इनफैक्ट कपड़े भी मैंने देखा $7-7 के मिल जाते हैं, $7 मतलब 350 रुपये हो गए, तो उसके हिसाब से भी मिल जाता है। तो ज़्यादा यूटिलिटी वाली चीज़ रखने की कोशिश करना, ज़्यादा फालतू सामान मत रखना, कपड़े लाद के ला रहे हो, जूते लाद के ला रहे हो, सारी जगह वो ही खा जाएंगे। और जो स्लीपर्स है ना वो कोशिश करना क्रॉक्स लेना या प्लास्टिक वाली ले लेना, बिकॉज उसमें फ़ायदा ये रहता है कि बारिश वारिश होती है तो आप आराम से बाहर जाते हो, प्लास्टिक तो ऑब्वियसली गलता नहीं है, लेकिन जब आप घर के अंदर आते हो ना तो काफ़ी डस्ट या गंदगी आ सकती है, तो आप उसको आगे इजीली धो भी सकते हो। तो प्लास्टिक के क्रॉक्स या पर्स, क्योंकि मैं तो एक्चुअली क्रॉक्स सुरभि क्रॉक्स लेकर आई है, मैं स्केचर्स के ही क्रॉक्स लाया हूँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो दैट इज़ अबाउट द स्लीपर्स। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो है फर्दर वीडियो मैं घर पे जाके बनाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बोलोगे मनीष भाई बहुत ही बढ़िया कमाल कर दी आपने ये चीज़ दिखा दी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पे अब मिलेंगे घर के अंदर, अब ये जो गेम है ये आउटडोर से इंडोर हो जाएगा। तो अब जा रहे हैं हम घर और मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। हाँ जी, तो मेरे को आप लोगों को दिखाना था स्पेसिफिकली घर आके कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, उससे आप समझ पाओगे। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने, तो प्रॉब्ली आप वहाँ से जाके भी आप सर्व कर सकते हो क्या है। ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, सो दीज आर माई रिकमेंडेशन एंड आई फाउंड दीज थिंग्स गुड। अगर कुछ चीज़ बेकार होगी तो मैं वो भी बता दूंगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये है इंटरनेशनल ट्रैवल अडैप्टर। अब इसमें आप देखोगे अगर तो ये यूके यूरोप और अलग अलग कंट्रीज के अच्छे अच्छे से नाम रखे हैं, हम लोग सपने में सोचते हैं यहाँ जाएंगे। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो न्यूजीलैंड में जो पिन चलती है वो चलती है यूएसए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली। हो सकता है उसमें न्यूजीलैंड ना लिखा हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूएसए लिखा हुआ होगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है और ये हो जाती है बैंड इस तरह से। ये देखो आप, ये बैंड हो जाती है और ये बन जाती है न्यूजीलैंड की पिन, और अगर आप सीधा कर दोगे तो ये यूएस हो जाती है। भगवान जाने यूएसए में गया नहीं, बट मैं ज्यूम करता हूँ यूएसए ऐसा रहता है। तो ये इस तरह से ये पिन होती है और ये कन्वर्टेबल होते हैं, तो ये वाले अडेप्टर्स बहुत अच्छे हैं। ये मैंने आरईआई का ले रखा है, ये अडेप्टर मेरे को काफी सही लगा क्योंकि इसमें यूएसबी पोर्ट्स भी हैं, फलाना ढिमकाना बहुत सारे प्लग्स हैं, तो ये काम आते हैं। तो ये चीज आनी बहुत जरूरी है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम सबको पता है कि इंडिया या एशियन कंट्रीज के बाहर जाने के बाद पेपर टॉवल्स यूज होते हैं, टॉयलेट पेपर्स यूज होते हैं, पेपर का यूजेज बहुत ज्यादा है, पानी का यूजेज कम होता है वॉशरूम्स में। स्पेशली जब आप इंडिया छोड़ोगे, सबसे पहली फ्लाइट आपकी लैंड करेगी सिंगापुर या प्रॉब्ली हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, मेरा हांगकांग के थ्रू था, वहीं से अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ का काम शुरू हो जाता है, वो है ये बेडेट। ये बेडेट बहुत इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे, ये काफ़ी काम आता है क्योंकि आपका जो सारा तकनीकी रूप पे यूजेज है वो मेरी हांगकांग से ही यूज होनी शुरू हो गई थी। वहाँ पे होता है सिंपल टॉयलेट पेपर रोल, तो ये मेरे को वहीं से यूज शुरू हो गया था। यहाँ पे आने के बाद तो भाई पूछो ही मत, कमाल हो गया, मेरे सारे काम इसी में हो रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, अगर आप स्पाउस के आता है आप पिंक ले लो, ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, वो आप लोग खुद देख लेना। बट ये बेडेट होता है अच्छा, आप दो ला सकते हो, ज़्यादा स्पेस भी कैरी नहीं करता है, और मेरे हिसाब से ये हाईली रिकमेंडेड चीज़ है। आई थिंक किसी
किसी ने मेरे को यूट्यूब पे इस सवाल भी पूछा था कि मैंने उसमें बोला था कि ये बाथरूम का जुगाड़ क्या है, वो यही जुगाड़ है, बट इट इजिली अवेलेबल 500-600 रुपए का आ जाता है। आई डोंट नो डिस्काउंट के बाद अभी क्या चल रहा है रेट, लेकिन हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। और प्लस यहाँ पे आने के बाद लोग भाई अंडे बहुत खाते हैं, क्योंकि अंडे एक ऐसी चीज है जो फटाफट से बन जाती है ब्रेकफास्ट में या कहीं पे भी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अंडे खाते हो बहुत ही अच्छी बात है, अंडे की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, नॉन वेज की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। तो अंडे के लिए स्पेशली मैं ये एक टाइमर लेकर आया हूँ। मेरे को थोड़ा सा मेरे को मीडियम लेवल का अंडा पसंद है, थोड़ा सा गला हुआ, थोड़ा सा पका हुआ, तो उस वजह से ये बहुत ही एक्यूरेट है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अगर चाहो तो ले लो, सस्ता टिका हुआ था पर काम की चीज़ है बहुत। अंडे फिर भी रीजनेबली, मैं ये नहीं बोलूंगा चीप है, बट अफोर्डेबल है। और यहाँ पे हम लोग तो क्रेट की क्रेट उठा के लाते हैं, यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है कि आप जो है लूज लाते हैं। इंडिया में तो 6 का पैक आता है, 12 का आता है, हम तो भाई 20-25-30 जो भी हमारा क्रेट होता है हम उठा के ले आते हैं, और काफी काम आते हैं अंडे। तो अंडे इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट और प्रॉब्ली डिनर और व्हाटएवर लंच, तो एक टाइमर भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब जो है बाकी बैलेंस वीडियोस मैं चलता हूँ बाहर और दिखाता हूँ, सामान को छोड़ देते हैं यहीं, बिडेट लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो जी अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। एक छोटी सी चीज़ और है जो शायद बहुत लोग याद रखेंगे या भूल जाएंगे, वो है मोबाइल का स्क्रीन गार्ड। मोबाइल का स्क्रीन गार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं मिलता होगा यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए मैं 100 रुपये का एक स्क्रीन गार्ड अपने ऐप पर आईफोन का लेकर आया था, इनफैक्ट सुबह का भी मैं साथ में लेकर ही आया था स्क्रीन गार्ड। तो मोबाइल का स्क्रीन गार्ड रख लेना किसी कॉपी के बीच में, सस्ता टिका हुआ आता है, काम अपना बढ़िया चल जाएगा, टूट गया तो कल को यूज़ भी कर सकते हो, तो वो भी रख लेना साथ में। इसके अलावा अब आ जाते हैं भैया सिगरेट और दारू के ऊपर। तो बेसिकली सिगरेट्स जो हैं यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही डब्बी लेकर आ सकते हो, उसके ऊपर तो अलाउड ही नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है स्मोक करते होंगे, छोड़ रहे होंगे घर पे ये बताया हुआ होगा, या जो भी केस है, लेकर का तो खैर क्या ही बोलना, घर वालों को पता हो रहे होगा, बट एनीवेज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 सिगरेट की बॉक्सेस के ऊपर अलाउड ही नहीं है, और अगर आप इनकेस लेकर आते हो तो आपको जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कस्टम को, और उस पर लगेगी कस्टम ड्यूटी, तो उसी हिसाब से रखना। तीसरी चीज़ ये थी कि लिकर जो है आप ड्यूटी फ्री से खरीद सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 6 लीटर वाइन्स जो है 1-1 लीटर की या 750 ml की वहीं से ले ली थी, तो अब असॉर्टेड वे में ड्यूटी फ्री से उठा के ला सकते हो। हालांकि मैंने पहले भी बताई थी अपनी वीडियोस में कि यहाँ पर साइडर्स बियर्स और वाइन्स जो है काफ़ी रीजनेबल है। एक ही चीज़ मेरे को यहाँ पे सस्ती दिखी है, वो सब वो दारू ही लगी मुझे, बाकी सिगरेट्स आर वेरी कॉस्टली। यहाँ पे $30 का एक पैक आता है तकरीबन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,500 रुपये। तो भैया बैठा रहा छोड़ ही दो, या फिर आप इस कंट्री पे आओ ही मत, क्योंकि इनका वैसे भी प्लान है 2024 या 2025 तक। जैसिंडा आर्डर ने अनाउंस कर रखा है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है टोटली, कि भैया सिगरेट पीना तो हम बंद ही कर देंगे। तो सिगरेट इनफैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे भी नहीं होती है शॉप्स में, तो आप जाओगे तो ये भी एक बड़ी पेक्यूलियर रीजन है, इन्होंने डिस्प्ले पे रखना भी बंद कर दिया है। इनफैक्ट आपको आईडी देना पड़ेगा यहाँ पे सिगरेट खरीदने के लिए। तो हो गई सिगरेट और दारू की बात, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि भैया यूटेंसिल्स क्या क्या लेके आए। भैया मेरे हिसाब से तो एक टम्बलर ले आओ और एक प्लेट ले आओ और बेसिक स्पून और फोक ले आना और एक नाइफ ले आना। नाइफ जो है आप स्पेशली सेकेंड बैगेज में डालना, केबिन में मत डालना, क्योंकि वो निकाल के रख लेंगे अपने पास। और ये जो है ना प्लेट जनरली आप कहीं एयरबीएनबी में रुकोगे या कहीं किसी के घर पर रुकते हो फुली फर्निश्ड, तो वो प्लेट देते ही हैं, तो ज़्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की प्लास्टिक की ये चीज़ रख लेना जो माइक्रोवेव सेफ हो, क्योंकि यहाँ में माइक्रोवेव का चलन बहुत है और माइक्रोवेव यहाँ पे बहुत यूज़ होता है, तो वो चीज़ एक रख लेना। प्लस एडेड एडवांटेज है कि वेट तो ऑफकोर्स कम हो गई, प्लस जो हेयर ड्रायर होता है वो यहाँ पे ना सस्ता मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से कैरी करो, क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस में लिविंग इन कंपनी का $20 का, इनफैक्ट $19 का हेयर ड्रायर मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। 1 साल की वारंटी भी रहती है, तो हमने भी वही खरीदा है, वो भी बेस्ट है, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन बॉयज़ के स्पेशली भैया अपनी दाढ़ियों की ट्रिमर ले आना, वो काम की चीज़ है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे फिलिप्स की वैसे इंटरनेशनल वारंटी होती है, चेक कर लेना, मेरा तो पुराना था तो मैं वही ले आया था, बट आप फिलिप्स का ऑफकोर्स ऑप्टेन कर सकते हो, या कोई भी ऐसी अप्लाइंसेस कंपनी जिसकी इंटरनेशनल वारंटी हो, तो वो यहाँ पे सब जनरली है ही, बट ट्रिमर लेकर आना वो भी काम की चीज़ है। और अगर आप चाय वाय पीते हो तो चाय का एक छोटा सा पैन भी खरीद लेना, इंडक्शन वाले बर्तन लेना, अगर इन केस आप लोग सोच रहे हो स्पाउस के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पे इंडक्शन बहुत चलता है, और इंडक्शन वाले जो होते हैं ना 2-in-1 जो चूल्हे पे तो चले ही जाते हैं, इंडक्शन पे भी चल जाते हैं। तो अगर आप बड़ा कुकर लाना चाह रहे हो, चाय का पतीला पैन फ्राई पैन जो भी आप लाना चाह रहे हो, कीप इन माइंड दैट यू गेट समथिंग विच इज इंडक्शन वाला, तो वो काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे यूवी इंडेक्स का बड़ा इशू है, ओजोन लेयर जो है वो पतली है, तो धूप जो है चिड़चिड़ी और सीधा मुंह पे लगती है, तो अपने लिए SPF क्रीम रख लेना, यहाँ पे भी मिल जाती है ऑफर्स में, बट अगर आप लेकर ही आओगे तो आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा, आपको जाके कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, मेन चीज़ें उठा लोगे जाके, तो ये भी एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आपको कैप और सनग्लासेस रखने जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा था कि भैया अगर आप चश्मा पहनते हो, दो तीन, मैं तो इनफैक्ट 3 सेट लाया हूँ, तो 3-4 ले आना, डिपेंडिंग कि आपका
ऑफिस जाने का मूड कब है? अगर आपने लंबाई टिकना है तो चश्मे बना के आना, क्योंकि चश्मे का तो पूछो मत। डेंटल ट्रीटमेंट तो भाई यहाँ पार टूट जाता है सर पे। इनफैक्ट मैंने ये तक सुना है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लोग जो है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाते हैं। ये बड़ी शॉकिंग चीज है, इसीलिए मैंने आने से पहले ही अपने डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे थे। डेंटिंग पेंटिंग हमने दांतों की करवा कर आना, सो दैट आपको यहाँ पे कोई हैसल ना हो। इंश्योरेंस होता है लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट के प्रीमियम्स बहुत हाई हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट अपना अच्छे से करा कर आना, चश्मे बनवा के आना, आई टेस्टिंग करा के आना। इससे खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, परेशान भी नहीं होगे, टेंशन फ्री रहोगे अपना। तो ये भी एक अच्छी चीज है। प्लस जो आयरन है, अब मैंने जो आयरन है वो रखा तो था लेकिन मेरे को कुछ काम इतना खास आ नहीं रहा, क्योंकि टी शर्ट वीशर्ट पहननी पड़ती है। हेलो, तो टी शर्ट वीशर्ट पहननी पड़ती है, तो भैया अपनी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो टी शर्ट जो है अपने जो आयरन है वो ज़्यादा काम आई नहीं। तो आयरन जो है रखो ना रखो बात बराबर ही है, मेरे को तो लग रहा है मैं ज़बरदस्ती ले आया। अब पैकिंग में आपकी एक और चीज़ आ जाती है, थोड़े बड़े बड़े झोले रख लेना, थैले रख लेना। वैसे तो यहाँ पे फर्श मिल जाता है लेकिन एक डॉलर का पड़ता है, तो वो भी क्यों ही लेना है, वहाँ से लेते हुए ना एक दो रख लेना, काम आ जाएंगे। प्लस अपनी जो मेडिसिन होती है ना बेसिक, वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ लाना। आप लोग जो है उसकी कुछ एक या तीन महीने की जो सप्लाई होती है, डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट क्या अपडेट उन्होंने किया हुआ है। तो बेसिक मशीनों में क्या आती है, सर्दी जुकाम खांसी की आती है, पेट दर्द की आ जाती है, दांत में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, जो आपको लगता है कि आपकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो ले आना। प्लस मैंने अपने साथ मेरे ख्याल से 2-4 किलो मैं रिन और सर्फ एक्सेल भी लेकर आया था, तो वो भी आप रख सकते हो, वो भी काफ़ी काम आता है इनिशियली। और इसके साथ साथ जो लास्टली एक मुझे चीज़ और बतानी थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो सोच रहे होंगे भाई की डिवाइस का क्या करें। अब डिवाइस का ये है कि यूनिटेक जो है, जो मेरा कॉलेज है, वो लोन देता है डिवाइस के, जो मैंने लोन ले रखा है तो वो तकरीबन एक सेमेस्टर का मिल जाता है, बट वो एक्सटेंड भी हो जाता है। अभी मैंने कराया नहीं बट सुना है मैंने एक्सटेंड हो जाता है। तो कोई चक्कर नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डिवाइस नहीं है, तो ऐसे कोई मारामारी नहीं है, अपने कॉलेज को फ़ोन मिलाओ, उनको पूछ लो भैया आप लोन दे दोगे हमको डिवाइस का। तो लोन मतलब पैसे नहीं मिलते हैं, डिवाइस मिलती है, तो आप वो डिवाइस उधार पे ले सकते हो। चकाचक नया लैपटॉप मिला था मुझे यूनिटेक से, इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट किया कॉलेज ने। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो कंपेरेटिवली इंडिया से ना चीप है यहाँ पे। तो जितना यूएस में मिलता है उतना तो नहीं है, बट ऑफकोर्स उसके रेट्स वेट्स ठीक हैं। और यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर के साथ जो है आप क्लब करके टर्म प्लान्स भी ले सकते हो, उसमें होता क्या है कि वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाती है, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट है उस पर, जैसे कि एटी ऑफ कार्ड में डिस्काउंट है तो उसमें भी डिस्काउंट है, तो वहाँ के मज़े भी आप ले सकते हो। एप्पल का सामान लेने से पहले 2 बार सोच लेना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अलग रहा हो और आपके पास कुछ और वैल्यूबल चीज़ हो जो कि आप ज़रूर शेयर करना मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे कमेंट बॉक्स पे, बिकॉज बाकियों को हेल्प मिलेगी एंड टुगेदर वी कैन ब्रिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली। तो किसी के दिमाग में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भैया, वो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, लोग पढ़ते हैं, मैंने देखा है, मैं खुद सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, तो एक दूसरे को हेल्प हो जाती है। अब आपने लानी है एक थर्मल वाटर बॉटल, वो भी बड़ी काम की चीज़ है, यहाँ होती है ठंड तो वो गर्म पानी पीने के काम आएगी। गले ख़राब हो जाते हैं कभी कभी, सुरभि की जब से आई है 3-4 बार तो उसी के गले ख़राब हो गए हैं। गर्म पानी की बॉटल बहुत काम आती है, तो वो भी रख लेना, एनी वेज आपको रखनी ही है। एयरपोर्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना वाइल ट्रैवलिंग, वो मैंने अलग से देनी है, आई डोंट वॉन्ट टू कन्फ्यूज एंड डू हॉच पॉच स्टफ हेयर, सो आई एम नॉट डूइंग दैट। यार हवा चल गई, आवाज़ हो रही होगी बड़ी तेज़, पर भाई पीछे देखो एकदम ऐसा लग रहा है गोल्ड है। अब ये भी है कि कोशिश करना कि अगर आपने साथ ना एक पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स या जॉगर्स रख लेना, स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उसमें होता क्या है कि यार आप पार्ट टाइम जॉब करोगे, मैंने बताया था काले जूते रखोगे तो काम आएगा, सिमिलरली वो केस है रिटेल के साथ भी, काफ़ी जगह पे ब्लैक जीन्स या जॉगर्स यूज़ कर सकते हो। मेरे को पता नहीं था ये ज़रूरत पड़ती है, मैं तो तुके में ले आया था ब्लैक कलर की जीन्स, तो वो मेरे इतनी काम आ रही है, काफ़ी काम आती है, तो वो भी रखना ज़रूरी है, वो भी आप रख लेना। आप मेरे को बाद में बोल दोगे भैया थैंक यू आपने बता दी ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे आके फिर खरीदोगे, यहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा है उन चीज़ों के। ग्रूमिंग करवा लेना अच्छे से, स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी रहेगा अपना, ग्रूमिंग अच्छे से करवाना, बाल बाल कटा के शेव करा के, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को अभी तक लोएस्ट बार्बर मिला है, अभी मुझे 2.5 महीने हुए हैं, डोंट कोट मी रॉन्ग ऑन दिस, बिकॉज मेरे से पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके पास और भी सस्ते होंगे, लेकिन अभी तक का सबसे सस्ता मुझे जो मिला है वो $18 का मिला है। बाल भी कटवाने जाने टाइम नहीं मिल रहा, बट ग्रूमिंग अच्छे से करवा के आना, एटलीस्ट आपका कम से कम 1.5-2 महीने चल जाना चाहिए। वैसे मैं जब से आया हूँ ना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे ना भाई महंगाई बढ़ती जा रही है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब फर्स्ट डे न्यूजीलैंड आया था तो उस दिन तो बारिश हो रही थी, नेक्स्ट डे मैं पैक एंड सेव जाके सेब लेने गया था, $3.5 या $3 के सेब थे किलो, आज की डेट में पता है वो कितने के हो गए, वो $60 के पहुँच चुके हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, रेंट इतना बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ है ना वो ऊपर जा रही है। सबसे बड़ा जो किलर सेगमेंट है वो रेंट है घरों का, अब वो भी क्या करें, उनके भी रेंट ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का बिल भी देना पड़ता है। ऑकलैंड एक ऐसा इलाका है न्यूजीलैंड का जहाँ पे पानी का बिल देना पड़ता है, अदरवाइज एल्स अगर आप सबर्ब्स अगर आप बाहर चले जाते हो ऑकलैंड के, जो कि ये चाहते भी हैं, जिसके वो अलग से 30 पॉइंट्स भी देते हैं PR के लिए, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पानी का कोई बिल विल का इतना चक्कर नहीं है, यहाँ पे वो है। तो ऑकलैंड जो है काफ़ी महंगा होता जा रहा है भाई, ये भी एक कंसर्न है।
तो यार मेरी भी वॉक हो गई है शाम की, और मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई थी बिकॉज काफी सारे लोग आने वाले हैं और मेरे को इतने ज्यादा सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा बना ही देता हूँ वंस फॉर ऑल, मेरी भी जिंदगी थोड़ी सुलझ जाएगी, बार बार एक ही जवाब देते हैं मैं भी बोर हो जाता हूँ। जो है आप इस वीडियो को रेफर कर लेना, लिंक्स जितने भी मैंने बताई हैं चीज़ों के वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन रेफर टू इट। प्लस मैंने अपने कंसल्टेंट के बारे में बता दिया है, आई हाईली रिकमेंड दिस कंसल्टेंट बिकॉज इनका सक्सेस रेशियो भी काफी हाई है स्पेशली न्यूजीलैंड को लेके, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उनसे इंक्वायरी डाल के पता कर सकते हो भैया कि आपने जीवन में करना क्या है अब आगे, दे विल गाइड यू फर्दर एज पर योर प्रोफाइल, तो प्रोफाइलिंग होती है प्रॉपर। तो बस चलता रहेगा ये कारवा, अब हम जा रहे हैं वापस, मैं जाता हूँ घर पे। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जल्दी मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।